अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक ज़बरदस्त और न्यू रेसिपी के साथ। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो रेसिपी है वो न्यू है और आप लोगों ने आई थिंक ये घर में नहीं ट्राई की होगी, क्योंकि आप लोग हलवा पूड़ी तो खाते होंगे लेकिन पूड़ी रोल आपने कभी नहीं खाया होगा। तो आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये मैं लिया है बोनलेस चिकन। इसको मैं खुद ही कट कर लूँगी छोटे छोटे पीसेस में, आसानी से पीस उसके हो जाते हैं चूरी की मदद से। इसमें मैंने सिंपल मसाले डाले थे, सूरख मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, हरी मिर्च, दही या लहसुन का पेस्ट। बस इन सबको लगा के आप थोड़ी देर के लिए रख दें। चिकन को अगर मसाला वगैरह लगा के रख देना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बस 1-2 घंटे के लिए रख दें, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब आप डो देख ले। इसमें मैंने लिया है 1 कप मैदा और 1 कप भी मैंने लिया है गंदम का आटा और 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच ऑयल। इसको अच्छी तरह से आपने गूंद लेना, जैसे हम आटे को गूंदते हैं। थोड़ी देर इसको रेस्ट दे और फिर इसके छोटे छोटे से पेड़े बना ले और इनको फ्राई कर ले। ऑयल आपने खूब गर्म कर लेना है और ताकि रोटी को डाले और निकाले, इस तरह से ना जो है ना सॉफ्ट रहेगी, हार्ड नहीं होगी। बस इसी तरीके से हम सारी पूड़ियों को फ्राई कर लेंगे और वीडियो फुल दे वॉच करना। बहुत मज़े की वीडियो है और रेसिपी भी बहुत ज़बरदस्त है, ताकि आपको पता चले आगे मैं इस वीडियो के में पूड़ियों के साथ क्या किया है। अब हम रोल की फिलिंग कर लेंगे। चिकन हमारा रेडी हो चुका है। इसमें आपको जो सब्जी पसंद है वो ऐड कर ले। मैंने खीरा और बंद गोभी ऐड की थी। इसके लिए आपने 2 सॉस लेनी है। एक आपने ग्रीन चटनी जो दही में डालते हैं वो भी मैं बना लेनी है, और साथ मायोनीज में आप थोड़ी सी नमक और मिर्च ऐड करके उसकी सॉस तैयार कर लेनी है। उसमें केचप भी आप ऐड कर सकते हैं।